हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ इंग्लिश मीडियम में स्टैंडर्ड 8 में सोशल साइंस में चैप्टर 6 द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वन बाय वन उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बाद में टेक्स्ट बुक में उसका ट्रांसलेशन समझेंगे। सबसे पहले आता है कंडीशन ऑफ पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर इन ब्रिटिश रूल, मतलब जब ब्रिटिश शासन था इंडिया में उस टाइम हमारे जो फार्मर्स है, हमारे जो एग्रीकल्चर है, उसकी क्या हालत थी, ये इसमें समझाया गया है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ, मतलब हमारी जो सोशल लाइफ है अंग्रेजों की वजह से, उस पर क्या असर होता है, इसके बारे में समझेंगे। जो उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस जो ब्रिटेन से आया हुआ था, वो सब इसका मतलब मेंटेन करता था और लोगों पर उसकी जो इफेक्ट होती है, यह सब हम यहाँ समझेंगे। और उसके टेन्यूर में उसने क्या क्या सुधार किया, रिफॉर्म किया, वो भी समझेंगे। इसके बाद आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मतलब यहाँ जो भारतीय व्यापार था, जो भारतीय इंडस्ट्री था, उद्योग था, उसके बारे में भी डिस्कस की हुई है। उसमें क्या क्या असर होता है, क्या उसमें मतलब उतार चढ़ाव होता है, ये भी दिखाया गया है। मतलब यहाँ जो डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है हमारे व्यापार और हमारे जो उद्योग का, इसके बारे में चर्चा की गई है। और आगे आता है सस्पिशन अबाउट द रिफॉर्म्स, जो अंग्रेजों ने यहाँ जो भारत में आके सुधार किए थे, ये सुधार के बारे में भी हमारे इंडियंस को संदेह होता है, इसके बारे में बताया गया है। और इस टाइम विलियम बेंटिंक होते हैं, उसने कई सुधार किए हैं, ये सुधार के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, देखते हैं टेक्स्ट बुक में।